किसान साथियों, आपका गौ माता यदि पीला पड़ गया है तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, कौन सा फर्टिलाइजर, कौन सा खाद दे कि आपको एकदम गौ में पीलापन हट जाए। किसान साथियों, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं राधेश्याम कुमार। किसान साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन नोटिफिकेशन दबा ले। किसान साथियों, यहाँ खेती के संबंध में इन्फॉर्मेशन मिलता है और मिलता रहेगा। किसान साथियों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बहुत सारे किसान भाई गलती कर बैठते हैं, एक एकड़ के में 2 से 3 बोरी 4 बोरी 5 बोरी यूरिया दे देते हैं, आपको वह बहुत खराबी पहुंचता है। किसान साथियों, यदि आपका बीज, आपका गेहूं के पौधा 35 से 40 दिन के हो गया, उस समय आपका पीलापन दिखाई दे रहा है, तो उस समय आप जो हम बता रहे हैं, यह यदि सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई के बाद इसका डोज देना है, मैग्नीशियम सल्फेट जो देना है, एक एकड़ में 10 केजी यूरिया के साथ देना है। किसान साथियों, एक बात और बता देता हूँ, यदि आप सिंचाई करते हैं तो उस समय ध्यान दें, सिंचाई करने से पहले आप ये देख ले, यदि सिंचाई करने से पहले बेसल डोज नहीं दिए हैं तो उस समय आप बेसल डोज के में DAP भी दे सकते हैं। किसान साथियों, और एक बात बोल देते हैं किसान साथियों, बहुत सारे किसान साथियों ये गलती कर बैठते हैं कि गेहूं में पूरी पानी भर देते हैं, वहां पर पूरी प्लॉट में पानी नहीं भरना, सिर्फ छिड़काव के रूप में लेना है ताकि अच्छे नमी बने रहे और इतना पानी दे कि जिससे एक दिन के बाद आप उसमें खाद फर्टिलाइजर दे सकते हैं। किसान साथियों, आप मैग्नीशियम सल्फेट देख के देखें और उसके बाद आप रिजल्ट देखें, आप एक सप्ताह के अंदर में आपका रिजल्ट, पैदावार, बम्पर पैदावार आगे चल के अधिक मिलेगा। किसान साथियों, इस समय आप सिर्फ यूरिया बहुत दे दीजिएगा तो आपको खेत का भी नुकसान पहुंचेगा। और बात कर लेते हैं, इस समय हरियाली मिल जाएगा लेकिन जिस समय पैदावार होगा पैदावार कम मिलेगा। तो किसान साथियों, आप लोग के यह देखना है कि हरियाली के साथ साथ पैदावार पर भी आपको ध्यान देना है, मेन जो पॉइंट है पैदावार ही है। तो किसान साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।